नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में एक बार। और काफ़ी दो सप्ताह हो गया वीडियो बनाए हुए, तो उसके बाद हम फिर से ये वीडियो अपना सेशन जो है चालू कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी मतलब लोगों का ये सवाल भी है। एक्चुअल में हमारा जो चैनल है वो मतलब आप इंडिया में तो देखा ही जा रहा है, इसके अलावा बाहर के कंट्री में भी इसको लोग देख रहे हैं। तो कुछ NRIs भी थे जो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस और गोल्ड के वीडियो, स्क्रैप के वीडियो और बाकी नॉलेजेबल वीडियो उन्होंने देखा है। तो उनमें से कुछ का क्वेश्चन है कि वो तो NRI हैं, बाहर में रहते हैं, तो अगर वो इंडिया में कंपनी चालू करना चाहते हैं तो किस तरीके से कंपनी चालू कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई फॉरेनर है, NRI है, तो इंडिया में कंपनी चालू करने के लिए उसको या बिजनेस करने के लिए उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो जैसे हम एज ए इंडियन कंपनी बना के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के या लिमिटेड कंपनी बना के अपना बिजनेस चालू करते हैं, कोई अगर NRI भी चाहे तो हमारे कंट्री में आके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी बना के अपना बिजनेस चालू कर सकता है। उसको MCA से अप्रूव्ड या परमिशन है ये काम करने के लिए। गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हेल्प करती है, मगर हर एक चीज़ की तरह इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है कि जैसे अगर कोई बाहर का है तो उसको एक पार्टनर एज ए इंडियन यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, और जो 1% से भी ज़्यादा का शेयर हो तो एज ए इंडियन पार्टनर को यहाँ पे उसको दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसका ऑफिस यहाँ पे होना पड़ेगा, उसका जैसे DSC बनता है कंपनी में, डीन बनता है, नेम अप्रूवल होता है, ऑफिस का सारा डॉक्यूमेंटेशन लगता है, वो सारा प्रोसेस होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि सपोज़ कीजिए हम जो है अगर यहाँ पे कंपनी खोलते हैं तो पहले यहाँ भी होता था कि A1 मजिस्ट्रेट से या चीज़ों से DSC और अपना सेल्फ एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, ये जो होता था अटेस्टेड करवाना पड़ता था। तो अगर फॉरेन का कोई भी पर्सन अगर इंडिया में कंपनी खोलना चाहता है तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल प्रूफ जो होता है, वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ID कार्ड हो, जो भी हो उसके कंट्री में, तो उसके कंट्री में जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वहाँ से उसको नोटराइज करा के फिर इंडियन गवर्नमेंट के पास यहाँ पे जो DSC या जो भी बनेगा उसमें उसको ऑथराइजेशन करके देना पड़ता है, ताकि उसको पता चल सके कि यहाँ की कहाँ का एम्प्लॉई है या नागरिक है या कुछ भी है, तो गवर्नमेंट उसको उसका वैलिड डॉक्यूमेंटेशन लेके फिर उसका प्रोसेस चालू करती है। तो ये तरीका है NRI का। कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस में, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहता हो, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता हो, किसी भी काम में जाना चाहता हो, तो अगर इंडिया में डायरेक्ट कंपनी खोल के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे हमने देखा है कि हमारे कुछ राज्य जैसे गुजरात हो गया या आपका मुंबई हो गया या बेंगलोर हो गया, इसमें NRIs का काफ़ी फंडिंग होता है, NRI समिट होता है, NRI बाहर से लोग आते हैं, तो या तो वो किसी ऑनगोइंग कंपनी में पार्टनर बनते हैं या किसी के साथ जॉइंट स्टैक करते हैं या फिर किसी के साथ मिलके एक कंपनी, न्यू कंपनी ओपन करके वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। इससे दोनों का फ़ायदा है। अगर फॉरेन के मार्केट में सैचुरेशन पॉइंट है, हमारा ग्रोइंग कंट्री है, तो अगर वो हमारे कंट्री में मिलकर किसी के साथ डेवलप करते हैं तो उनका भी पैसे का डेवलपमेंट होता है, हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो हम तो हमेशा ही चाहेंगे कि NRI पब्लिक जो भी हैं अगर इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और हमारे तरफ से कोई लीगल चीज़ अगर उनको चाहिए कंपनी फॉर्मेशन में या कुछ भी, तो हम उनकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह के टॉपिक या इस तरह के वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब भी आजकल काफ़ी हमारा हो चुका है, 1300 के आसपास है। तो हमारा चैनल ऐसा है कि इसमें एक ही दिन में सारा कुछ नहीं होता, बिजनेस चीज़ है, ऐसे ऐसे करके ग्रो होता है। देखते रहिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो आपका भी तो हमें कीजिए, हम ज़रूर आपको जितना भी हो सके हमसे गाइड करेंगे। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर, वेबसाइट, सारा कुछ दिया हुआ है। अगर हमसे भी आपको काम कराना है तो हम भी प्रोफेशनली, कोलकाता में हमारा ऑफिस है, सारा ये काम हम लोग भी करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।